वेलकम टू द स्पोर्ट्स डॉयन, मैं हूं कुशाग्र और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। हमारे साथ हैं आईबा वर्ल्ड चैंपियनशिप की वेल्टरवेट चैंपियन अरुंधति चौधरी। अरुंधति, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हम लोग के लिए इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर अस कि आपने हमारे चैनल पे आज आके इंटरव्यू देने के लिए अग्री किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी हैं आप? एंड आई होप सब आपके और आपके फैमिली मेंबर्स सब सेफ हैं, हेल्दी हैं इस समय। जी सर, सब लोग सेफ हैं, सब बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है एकदम। तो ठीक है, बिल्कुल एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं अरुंधति। तो हम लोग ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमें काफी सरप्राइजिंग बात पता चली। एक वन ऑफ आवर दूसरे जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने पता किया कि आप बास्केटबॉल भी बहुत अच्छे लेवल तक खेलते थे, एंड 2016 में ही था कि आपने बॉक्सिंग को ऐसा चूज किया एंड स्टार्ट किया उस पर वर्क करना। एंड इतनी जल्दी देखते देखते जरा से 4 सालों में आप यूथ वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, तो क्या आप इस जर्नी के बारे में हमें बता सकते हैं और बता सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर बनने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस लगता है? एक्चुअली सर, मैं 5th क्लास में थी और शुरू से मेरी हाइट बहुत अच्छी रही है। क्लास में लड़कियों से तो लड़कों से भी मैं बहुत लंबी थी। तो हमारे पीटीआई टीचर आए और वो बोले कि बेटा, आर यू इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल? तो मैं कहा ये होता है क्या है, मुझे तो यही नहीं पता था, मैंने कभी सुना भी नहीं ना देखा, क्योंकि हम सर बेसिकली गाँव से बिलोंग करते थे, तो मेरे लिए तो बहुत नया था ये सब। तो मैं बोली कि सर ये होता क्या है, तो सर बोले कि तुम इन सब से मतलब मत रखो, तुम बस कल मैदान में आना और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं ठीक है, मैंने प्रैक्टिस करने चालू करी और सर मतलब ना मैं पढ़ाई में भी ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई में कुछ कमी रखी हो, अपना स्टडी में भी बहुत अच्छा बेस्ट दिया। तो एक स्टेट खेला, पर वो वही बात है कि टीम गेम था तो सबका एफर्ट लगना जरूरी था, तो सबने एफर्ट नहीं लगाया तो उस वजह से हम हार गए थे। एंड दूसरी बार जब स्टेट हुआ तो हम लोग जीते और नेशनल्स के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ एज अ राजस्थान टीम कैप्टन। लेकिन पापा बोले कि देखो, तुम मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो, तुम चाहो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी ट्राई कर सकती हो। तो मैं उनको बोली, मैं कहा नहीं पापा, मेरा तो गेम में इंटरेस्टेड है, मैं 5th क्लास से बास्केटबॉल खेल रही हूँ और मैं अब कैसे एकदम गेम छोड़ दूँ। तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, बास्केटबॉल तो मैं तुम्हें खेलने ही नहीं दूंगा। तो मैं थोड़े दिन तो ऐसे चुप रही, मैं कहा यार कैसे मनाऊं पापा को, कैसे मनाऊं। तो पापा बोले कि तुम बहुत ऐसा सैड हो, मतलब मैं पापा के सर बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, वो बाय एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो बोले कि तुम्हें अगर गेम में खेलना है ना तो तुम ऐसा खेलो कि जिसमें तुम सोलो परफॉर्म कर सको। तो उन्होंने तीन ऑप्शन दिए कि भाई तुम बैडमिंटन, रेसलिंग और बॉक्सिंग में से कुछ चूज करो। तो अब मेरा नेचर तो एकदम फाइटिंग का था शुरू से ही, तो मैंने बॉक्सिंग में ज्यादा मतलब ऐसा अपना इंटरेस्ट रखा कि हाँ चलो मारपीट में मजा आएगा, सामने वाले को अच्छा ब्लड वगैरह निकालेंगे, मस्त अपना नाम हो जाएगा। तो इस शौक में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। लेकिन सर प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान में ऐसी कोई एकेडमी है नहीं अच्छी बॉक्सिंग के लिए, और स्पेशली कोटा में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो स्टडी पॉइंट है एक, हर साल यहाँ पे लाखों बच्चे आते हैं अपने IIT करने और मेडिकल की तैयारी करने। तो मेरे लिए बहुत हार्ड था सर, मतलब मेरे पापा पूरा कोटा उन्होंने देखा, जयपुर तक देखा, टिल भोपाल तक वो गए, लेकिन कोई मिला नहीं सही कोच उन्हें। फिर एक कोच थे जो वुशू करते थे यहाँ पे, मतलब वुशू सिखाते थे बच्चों को, तो उनसे बात करी तो पापा को लगा कि शायद मैं 2-3 दिन में मतलब शौक में करके और मैं उस चीज छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने करी उनके पास, और वो सर सुबह सर मतलब 4 बजे उठते थे मेरे लिए, यूट्यूब पे बॉक्सिंग्स की वीडियो देखते थे और 4:30 बजे हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि स्कूल भी जाना होता था। तो 4:30 से कम से भी कम 6:30 या 7 बजे तक हम ट्रेनिंग करते थे, जो सर सीख के आते थे यूट्यूब वगैरह पे, फिर मैं स्कूल वगैरह चली जाती थी। ऐसे करके सर मैंने अपने 2 साल तो निकाले, और फिर सेकंड ईयर के लास्ट में सर मेरा नेशनल था, जो फर्स्ट जूनियर नेशनल, तो उसमें गोल्ड भी लिया और प्लस बेस्ट बॉक्सर लिया। और ये सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज थी कि राजस्थान की कोई लड़की जो बेस्ट बॉक्सर बनी हो। तो ऐसे कैंप में भी नाम आ गया, फिर मुझे जाके नेशनल कोचेस से मिली मैं उन लोगों से, वहां पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी NCO रोहतक में सर, हरियाणा। तो अभी वहां पे गए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, और सर मैं थोड़ी खाने में बहुत ज्यादा ऐसे रखती हूँ, बहुत फूडी हूँ मैं, तो मुझे अपनी पसंद सारी चीजें छोड़नी भी पड़ी उसके लिए। पढ़ाई के लिए भी था, हाँ मुझे थोड़ा शौक था पढ़ाई का भी, लेकिन वो चीजें मैंने बिल्कुल छोड़ दी अपनी, और पेरेंट्स के बहुत क्लोज थी तो कुछ कुछ महीने महीने उनसे दूर रहना पड़ता था, तो याद तो बहुत आती थी, लेकिन फिर ये था कि हाँ चलो कुछ टारगेट है वो कंप्लीट करना है। एंड ऐसे करते करते अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पिछला पूरा साल कोविड की वजह से निकल गया, तो मेरे दिमाग में बस एक चीज थी कि हम लोगों को पता लग गया था कि हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। तो मैंने उसको सर, बहुत लोगों ने कोविड को बहुत बुरा माना,
पर हाँ चलो बुरा था, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। मैंने अपनी हर एक मिस्टेक पे बहुत काम किया, सुबह भी मतलब अकेले रहकर भी बहुत किया, भाई कोच की हेल्प लेकर भी बहुत किया, अपनी हर एक मिस्टेक को सुधारा ताकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा सकूं और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके साथ में गोल्ड ला सकूं। और फाइनली सर मैंने ऐसा कर दिया। नहीं एंड मतलब फिर से एक बार फिर से हम लोग की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड देश का नाम, देश का एकदम सर एकदम गर्व से ऊंचा हो जाता है जब भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। और आपने बिल्कुल बोला राज, एक तो सबसे पहली बात आप बता रहे हो कि कितना मुश्किल था ट्रेनिंग सेंटर ढूंढना, आपको एक तो आपके कोच की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी उनकी डेडिकेशन की, कि खुद वुशु कोच होके उन्होंने अपने आप को पहले बॉक्सिंग सिखाई फिर आपको सिखाई एंड क्या लेवल तक सिखाया कि आप सीधे यू नो जूनियर नेशनल चैंपियन बन गए एंड वहां से आप इंडिया कैंप गए। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है अरुंधति, आप यू नो अभी आप बोल रहे हैं, जब बच्चे सुनेंगे, जब यू नो यंग एथलीट सुनेंगे आपकी कहानी की कैसे कि 4 बजे उठ के 4:30 बजे से 6:30-7 बजे तक ट्रेनिंग करके स्कूल जाके फिर वापस आके भी वही कंटिन्यू रखना और ये 2-3-4-5 साल करना कितना सैक्रिफाइस लगता है। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने कोविड का भी मेंशन किया कि आपने उसको अपने लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह यूज किया कि अपनी सारे जो भी आपको जो आपको और आपके कोच को लग रहा था जो भी मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे भी। तो यू नो क्या इस बात से कि आप पहले भी थोड़ा अपना फैमिली से थोड़ा दूर रह चुके थे, बिकॉज जब भी कैंप्स लगते होंगे दूर रहना पड़ता होगा, आपने बताया आपको अपना खाना वाना भी चेंज करना पड़ा तो बहुत मुश्किल रहा होगा, तो क्या इसकी वजह से आपको फोकस करने का बेहतर मौका मिला है क्या कोविड के दौरान, या फिर आप कहोगे कि फैमिली की याद तो हमेशा ही आती है? नहीं सर, कोविड के टाइम पे मैं घर पे ही थी सर। अच्छा घर पे ही थे आप पूरे टाइम? कैंप्स बंद हो चुके थे उस टाइम पे, हर जगह मतलब बोल दिया था कि हाँ आप लोग घर जाओ और जब नोटिस आता है जब हम आप लोगों को बुलाएंगे यहाँ पर। तो आपने घर पे खुद से ट्रेनिंग की है ये जो आप बता रहे हो? मतलब कोच से कांटेक्ट में रखे, कोच से कांटेक्ट में रखे, जितना मेरे कोच ने किया है ना शायद मतलब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है कि मेरे पापा मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स सच में बहुत सपोर्टिव है सर। पापा सर स्कूल के चेयरमैन है और बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्होंने अपने खुद के स्कूल में मेरे लिए एक बॉक्सिंग हॉल बनवा रखा है जहाँ पर कि मैं कभी इंडिविजुअल ट्रेनिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। तो अब कोविड की वजह से सर यहाँ पर तो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरा घर सर थोड़ा सा कोटा के बाहर है, सिटी के बाहर, तो सुबह मैं अकेले ट्रेनिंग कर रही थी अपने बेसिक अपने कोऑर्डिनेशन अपने स्ट्रेंथनिंग पे और शाम को ग्राउंड जा रही थी। पर जब पूरा लॉकडाउन हो गया था तो दोनों टाइम मैं सर अपने यहीं पे पापा के स्कूल में ट्रेनिंग कर रही थी, तो वीडियो कॉल पे और ऐसे सर को वीडियोस वगैरह बनाकर सब कुछ भेज दिया करती थी मैं, जो कमी होती थी वो मुझे बताते थे, फिर ऐसे हम लोगों को ट्रेनिंग भी पूरी। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक और चीज जो हम लोग को पता चली कि जब हम लोग थोड़ा सा आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे कि एक जो आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को कितनी अच्छे से बताती है, 2018 जुलाई में आपको काफी सीरियस हेड इंजरी हुई थी एंड उसकी वजह से कुछ एक आध बार ब्लैकआउट्स भी फेस करे आपने, तो उससे आपने कैसे अपने आप को बैक किया, कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिकवर किया, क्योंकि आप एकदम कुछ महीनों में आके आप फिर से आप मेडल्स जीतने लग गए थे, फिर से कॉम्पिटिशन जीतने लग गए थे, तो कैसे आपने इतनी फास्ट रिकवरी की और कोई 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 मन में ऐसा कुछ डर या कुछ नहीं बैठा कि मुझे दोबारा चोट लग सकती है? सर एक्चुअली ना जब पहली तो मुझे दो बार हेड इंजरी हुई है, जब मैं शायद स्कूल वगैरह जाने लगे थे, सेकंड क्लास की बात है, तो हम लोग गांव ऐसे घूमने गए हुए थे तो उसकी छत पे ना एक खड्डा सा बना हुआ था सर, मतलब तो मैंने सोचा मैं कहा मैं इस खड्डे पे ना सिंगल लेग से स्टंट करके, सब बच्चे मतलब कजन सब लोग आए हुए थे, तो मैं कहा यहाँ पे स्टंट करके सबको दिखाऊंगी अपना, तो सर मेरा पैर उससे फिसल गया था, तो मैं वैसे ही छत से नीचे गिर गई थी, तो मेरा राइट साइड भी सर फ्लोटिंग हो गया था, मतलब इधर की भी नस मेरी फट गई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो हालांकि सबकी विशेष वगैरह सब थी तो ठीक होगी, पेरेंट्स ने भी कम से कम बहुत ऐसे दुखी वगैरह हो गए थे क्योंकि मैं बहुत मस्ती खोरती थी सर। फिर ऐसे अभी यहाँ पे हमारे एकेडमी में एक भैया थे तो मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे वो, मुझे ये चीज पता नहीं थी, मैं तो हमेशा उन्हें रिगार्ड दे रही थी
लेकिन पीछे से जब मुझे लोगों ने बताया कि हाँ वो तुझसे चिढ़ता था और ये सब, तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। तो ऐसे ही मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या किया, बेसिक कोच सर जो है ना मेरे अशोक सर, उनके पास फोन आ गया, तो उन्होंने कॉल अटेंड कर लिया और उतने में उन भैया ने फाउल पंच मार दिया इधर लेफ्ट साइड पे। तो जैसे उन्होंने पंच मारा सर, मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं और मैं बिल्कुल गिर गई वहां पर। तो पापा को सर मुझे घर तक तो छोड़ने आ गए, पापा को बोले, तो पापा बोले कि शायद इससे सर मुझे क्या एंजाइटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो पापा बोले कि शायद एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी तो इसको डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोला कि नहीं सब कुछ इसका नॉर्मल है, पर फिर भी मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, मैं मेरे साथ हो क्या रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे कोटा के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली में भी वो लेक्चर आ रहे हैं MBBS विजय सरदाना, तो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, तो उन्होंने तो बता दिया कि यहाँ पे इसके तो लेफ्ट साइड की नस फट गई है और ब्लड क्लोटिंग हो रहा है। तो कम से भी कम वो, जब मैंने ये चीज सुनी तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी सर कि वो कहते ना कि सीजर्स आना और ये सब। तो मेरे पेरेंट्स सर मुझे बताते हैं कि हम लोगों की उस टाइम पे एशियन चैंपियनशिप आने वाली थी जूनियर में, जो हालांकि कैंसिल हो गई थी बाद में। तो मैं मतलब सीजर्स आते थे और तब भी मैं सिर्फ एशियन चैंपियनशिप का नाम लेती थी कि भाई मुझे उसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है, और मैं बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को मारने लग जाती थी कि मुझे ठीक करो, मुझे नहीं रहना ऐसा। मुझे पता है मैं गेम बहुत लड़के मिला है क्योंकि फैमिली इतनी जल्दी अलाउ नहीं कर रही थी, हमारे यहाँ पर छोटे कपड़े पहनना और गेम में जाना सब बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे तैसे मैंने सबको मनाया। फिर अगर मेरा उस टाइम पे करियर एंड हो जाता तो मेरे लिए तो बहुत बुरा था क्योंकि मेरी एक इंजरी की वजह से मैं अपना सब कुछ खो दूं। तो सर मैंने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, मैं कहा नहीं ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बात सर बोलते हैं कि वहम सबसे बड़ी बीमारी होती है, तो मैंने अपने आप को किसी वहम में नहीं रखा। मैं कहा ठीक है तुझे इंजरी है, इंजरी ठीक हो जाएगी, हम कुछ दिन फाइट नहीं करेंगे, बाकी बॉडी का वर्कआउट तो कर सकते हैं। तो मेरे पापा भी डॉक्टर ने सर बताया कि ये बॉक्सिंग कर ही नहीं सकती पहली बात तो, क्योंकि इसके दोनों साइड में प्रॉब्लम है और आगे जाके इसे ज्यादा सीरियस इंजरी हो जाएगी, जैसे मेंटल होना या कुछ भी ऐसा। पर पापा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है जब इसको इतनी जिद है तो इसको खेलने दो, क्योंकि जिद बहुत थी सर मुझे बॉक्सिंग की ना। तो फिर ऐसे करके कम से भी कम मेरा एक महीना सर पूरा इसमें खराब हो गया था बिल्कुल, इंजरी की वजह से मैं रेस्ट में थी, कभी किस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कभी कहाँ एडमिट हो रही हूँ, और मतलब एक टाइम तो ऐसा आया था कि शायद मैं अपने पेरेंट्स को पहचानने से भी मना कर रही थी। तो बहुत बहुत ज्यादा ब्लैक टाइम था वो बिल्कुल। फिर जैसे जैसे करके ठीक हुआ, एक महीने बाद मैंने धीरे धीरे बॉक्सिंग स्टार्ट करी अपने फिर से, और हमारा एक इनविटेशनल कंपटीशन था सर्बिया में, तो उसके लिए वहां पे मैंने ट्रायल दिया और वो ट्रायल मैंने पास आउट कर दी, मैं जीत गई वहां पर। फिर हम लोग सर्बिया गए, तो वहां पे सबसे टफ ओपोनेंट थी सर मेरे लिए रशिया, रशिया कंट्री की। जैसे मैं रिंग में गई, रिंग का सर बैल बजा और फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, और मेरे बिल्कुल सर ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, और फर्स्ट राउंड मेरे लिए बहुत टफ था निकालना। बाकी फिर जब रेस्ट मिला फर्स्ट राउंड के बाद, तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं ऐसे हारने यहाँ पर आई हूँ, मैंने इतना सब कुछ दर्द और ये सब सहा, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हार जाऊंगी तो क्या इमेज रहेगी। तो फिर इस साथ से सर लास्ट के दो राउंड मेरे थे और वो बाउट मैं कम्प्लीटली जीत गई, और फिर पापा को भरोसा हो गया कि हाँ अगर ये इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद खेल सकती है ना तो ये कुछ भी कर सकती है, तो इसको गेम से हटाना ही नहीं है बिल्कुल। तो बस सर फिर वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बहुत करती हूँ सर मैं, और मेरे पापा और मेरी सिस्टर वगैरह सब मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो बस मैंने अपना ये पार्ट निकाल लिया। बहुत एक और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर आपके आंसर की बात बोलूंगा कि मतलब बाप रे, मतलब कितने सारे, देखिए कि क्या होता है ना, हम लोग सब ऑडियंस होते हैं, हम लोग बाहर बैठे रहते हैं, हम लोग बस स्पोर्ट्समैन या एथलीट को देखते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, और एक बार वो कर लेते हैं तो उनको बहुत बाबाई कर देते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि हर स्पोर्ट्समैन के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है, उनकी हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है। एंड आप जैसे बता रहे हो अरुंधति, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप सिर्फ 18 साल के हो, मतलब आपने इतना सब कुछ स्ट्रगल के बाद इतना मुकाम अचीव कर लिया है, एंड बहुत ही मतलब बहुत इंस्पायरिंग है ये, यू नो, आजकल के बच्चों के लिए। बस एक अगर आप सजेशन देना चाहें, क्योंकि राजस्थान में और पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में आगे जाना चाहती हैं, तो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा आई थिंक हर बच्चे के लिए यही चैलेंज रहता है कि कैसे कैसे बापू या मम्मी के पास जाके बोलो कि मम्मी उम्मी क्या बोलते साइंस नहीं पढ़नी, मुझे ना खेलना है, क्योंकि वो तो दो चपेट पढ़ते हैं फिर तो। हाँ जी सर, ना सबसे पहले तो एक बच्चे को अपने आप में होनी चाहिए कि हाँ उसे लाइफ में कुछ करना है। बहुत से ऐसे होते हैं कि हाँ भाई चलो पढ़ाई हो रही है, ग्रेजुएशन करना हो जाएगा, कि नॉर्मल जॉब भी मिल जाएगी करने के लिए। पहले तो सर खुद को डिसाइड करना चाहिए कि हाँ मुझे लाइफ में
आए खाए और धरती माँ पे बोझ बन के और चले गए, ये तो गलत बात है ना। अगर आप आए हो तो कम से कम, अगर आप मर भी जाते हो तो पीछे लोग याद रखने चाहिए आपको कि हाँ भाई वो आया था यार, उसने इतना बड़ा काम किया, यादों में तो याद रहने चाहिए हो आप। तो पेरेंट्स को जाके अपनी बात समझानी चाहिए, और ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते सर, जब हम खुल के उनसे बात करें तो मना कर दे। शायद मेरे लिए भी बहुत मना थी, कम से भी कम एक साल तक मेरी फैमिली ने मुझसे बात नहीं करी थी, सिर्फ पेरेंट्स थे जो सपोर्ट में थे, बाकी और किसी ने बात बात नहीं करी। मैं किसी से मिलने भी जाती थी ना तो बिल्कुल मेरे साइड से निकल जाते थे, मुझसे बात तक नहीं करते थे, पर मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स साथ में थे। तो हमें खुल के बात करनी चाहिए पेरेंट्स से, हमें बताना चाहिए कि हाँ हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ करेंगे तो शायद आगे जाके आपका भी नाम होगा और हम अपना 100% देके करें तो शायद सब मान जाए सर। अरे नहीं बिल्कुल, एंड जब जब पेरेंट्स के आप जैसे एग्जांपल्स होंगे देखने के लिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि और पेरेंट्स को भी और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, एंड ये नहीं भूलें कि डेडिकेशन और हार्डवर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपने एकदम बात बिल्कुल एकदम सही कही है कि आप बच्चे को या किसी को भी खुद को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या इम्पैक्ट छोड़ना है। यूनो जैसे आपने कहा खाए पिए और धरती माँ के बोझ गंदे निकल गए, तो भाई तो थोड़ा सा हम लोग काफी हम लोग की क्या था सीरियस बातें हो गई, थोड़ा सा कम सीरियस करते हैं इस टॉपिक को। एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या बोलते, शायद मेरे दिमाग में एक आंसर है जो शायद आप बोले खुद ही, कौन से ऐसे बॉक्सर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? और अभी ओलंपिक्स आ रहा है, हमने देखा है कि 4 वुमेन बॉक्सर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो उनमें से किसी एक का जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा फॉलो करोगे आप? सर एक्चुअली ना मैं विमेंस में तो किसी को करती नहीं हूँ, और अपनी इंस्पिरेशन मैंने और रोल मॉडल तो कभी किसी को माना नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का और मेरे बेसिक कोच का बहुत माना है मैंने। क्योंकि मेरे बेसिक कोच सर बॉक्सिंग नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए सीखी और आज उनकी वजह से मैं इतना बड़ा मेडल ले पाई हूँ। और सर मेरे फादर हैं, आज उनका राजस्थान में टॉप बिल्डर्स में नाम आता है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड ऐसा फेस किया है। एक टाइम ऐसा था सर कि कपड़े के लिए भी उन्हें बहुत ऐसा हुआ कि किसी से मांग के पहनने पड़े थे, तो उनका वो स्ट्रगल सर हमेशा मुझे याद रहता है कि अगर वो इतना बड़ा करके, और सर आज वो इतने हैं कि हम एक बार डिमांड करें वो उस चीज को फटाफट हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं, तो मुझे बस उन्हीं से सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर हम बात करते हैं फेवरेट बॉक्सर की, तो सर एंडी क्रूज है क्यूबा के, तो वो मुझे सर बहुत सही लगते हैं, मतलब उतना गेम स्टाइल और उनका जो स्टाइल होता है रिंग में परफॉर्म करने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ एकदम, मतलब एब्सोल्युटली एट द टॉप गए हो आप, बिल्कुल एकदम सही। एंडी क्रूज ऑफ कोर्स क्यूबा के बहुत जाने माने बॉक्सर हैं। ठीक है, चलिए ये आइकन से ज्यादा आते हैं आपकी ट्रैवल पे, जैसे आपने बताया आप सर्बिया भी गए थे पहले, पोलैंड भी अभी आप बहुत ही रिसेंटली होके आए हो, ऐसे आपने ट्रैवल किया होगा और भी डिफरेंट कंट्रीज में, तो कोई एक आध स्टोरीज जो कि आपको याद हो, फनी भी हो सकती है, इंस्पिरेशनल भी हो सकती है, या आपने बस वहां पहुंच के देखा बाप रे ऐसा भी होता है? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग स्पेन गए थे, तो मेरी एक फ्रेंड है पूनम पूनिया, 57 केजी में, उनका भी गोल्ड है, तो हम दोनों सर हमने डिसाइड किया कि हाँ कुछ तो खरीदना है यहाँ से, इतने दिन 14 डेज हम लोगों को गए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आए कुछ तो लेके जाएंगे यहाँ से, तो हम दोनों बहुत ऐसे सबसे ज्यादा टीम में मस्ती करने वाले हम दो ही थे, तो सारे कोचेस डिनर करने गए हुए थे और हमारा रेजिडेंशियल कहीं और था और डिनर का कहीं और था, तो सब लोग डिनर करने चले गए और हम दोनों चुपके से वहां पे रह गए, और हम लोग अपने पैसे लेके और पूरा चले गए स्पेन में, वहां पे मुर्सिया में हम लोग गए थे, तो हम बाजार में कहीं चले गए बिना किसी को बताए और हम रास्ता भूल गए सर। अब हम लोग इतने डर गए थे कि हम कैसे जाएंगे, और डांट पड़ने वाली है वो अलग, और बात BFI में भी चली जाएगी फेडरेशन में, तो शायद हम लोगों को अगली बार नहीं आने देंगे, हम बहुत ज्यादा डर गए थे। तो एक USA के कोच थे, तो हम लोगों ने उन्हें कॉम्पिटिशन टाइम पे देखा था, तो हम उनको बोले जाके कि सर हम लोग ऐसे ऐसे खो गए हैं और हम बिन बताए आए हैं, तो प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए, नहीं तो शायद हमारी आगे कंप्लेन चल जाएगी, हमने पूरा मैटर उन्हें बताया। तो फिर उन्होंने एक चीज बोली थी कि बेटा अगर तुम्हें किसी चीज का शौक है तो तुम्हें अपने कोचेस को जरूर बताना चाहिए था, अगर वो अलाउ नहीं करते वो बात अलग है, पर तुम लोगों को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो हमें जैसे तैसे वो वहां पर लेकर आए, और बात ये थी कि किसी कोच को ये ध्यान में नहीं था कि हम दो गायब थे वहां से, तो हम वहां पर चुपचाप जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। और ऐसे सेम सर्बिया गए,
तो वहां पर दोनों ही थे जो चुपके से मार्केट चले गए. और फिर एक मैम को क्लिक हुआ कि हाँ इन्होंने तो स्पेन में भी शायद ऐसा ही किया था, क्योंकि उस टाइम पे डाइनिंग हॉल में नहीं दिख रहे थे. फिर उन्होंने पूछा, तो हमने बोला कि मैम शॉपिंग करने का तो शौक नहीं है, हाँ क्रीम क्रूम ले रहे थे घर वालों के लिए गिफ्ट वगैरह. तो बस एक चीज हमेशा याद रहती है कि हाँ हम दो थे जो चोरों की तरह हमेशा भाग जाते थे और कुछ ना कुछ लेके आ जाते थे, और सब लोग सोचते रहते थे कि हम लोग कहाँ से लेके आए ये सब. सही है, ध्यान रखना अरुंधति. ऐसे अभी आपने पूरा पिटारा खोल दिया यहाँ पे, पता चले कि फिर अगली बार और नजर रखी जाए यहाँ पे. पर नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ. बस एक आखिरी सवाल क्योंकि ये आपके जो वैसे इंटरव्यूज आए हैं प्रिंट मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें आपने आपका इंटरव्यू देखा, बाकी और न्यूज़पेपर्स ने भी उस इंटरव्यू को फिर से रीप्रिंट किया है, बहुत काफी लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोग मुझे पूरी उम्मीद है काफी लोग ये वीडियो भी देखेंगे. तो अगले आने वाले साल भर में या दो साल में आप बता सकते हैं वैसे कौन से टारगेट्स हैं, कौन से ऐसे चैंपियनशिप्स हैं जाकि हम लोग एज फैंस देख सकते हैं कि अरुंधति का नाम कहाँ है, अरुंधति का क्या रिजल्ट था सबसे पहले जब चेक करें तो. सर वैसे तो आज बहुत अच्छा है कि मैं आपने मुझसे ये सवाल पूछा, और आज ही मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है कि टॉप 10 गर्ल्स सेलेक्टेड हुई हैं सीनियर की, और इस साल मैं सीनियर हो गई हूँ. उसमें मैरी कॉम का भी नाम है, और जो भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी गई हूँ उनमें से तीन का नाम है, बस पूजा दीदी का नहीं है जो 75 में थे. तो टॉप 10 गर्ल्स में से सर मैं भी सेलेक्ट हुई हूँ, और मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो 18 ईयर्स की एज में उसमें सेलेक्ट हुई हूँ. और मैं परसों सर पुणे जा भी रही हूँ उसके लिए, वहां पे हमें ओलंपिक्स की तैयारी मतलब 20 जो अभी टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए, 2024 के लिए. तो शायद अभी तो टोक्यो में तो मेरा चांस नहीं है, लेकिन 24 के लिए हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया है. तो अभी मेरा मेन यही है कि वहां जाके मुझे मैरी कॉम से मिलने का मौका मिलेगा, वो भी मेरी तरह सर साउथ पो है, मतलब मैं हम दोनों का गेम एक जैसा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उनसे सीखूंगी कि हाँ कैसे और ज्यादा इतना अटैक कर सकते हैं गेम के बारे में. और जो मेरे वेट की ओपोनेंट है जो ओलंपिक क्वालिफाई कर गई है लवलीना बोरो, तो मुझे उनके साथ भी ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा कि हाँ उनको आगे जाके मैं कैसे अटैक कर सकूं और कैसे मैं उनसे जीत सकूं. तो अभी तो मेन फोकस वही है सर मेरा कैंप जहाँ पे मैं जा रही हूँ. आप शायद ASI कैंप जा रहे होंगे पुणे? हाँ जी सर. हाँ जी तो वही बहुत ही शानदार है. एंड फर्स्ट एक और कांग्रेचुलेशन हमारे बिहाफ से, इंडिया के टॉप 10 सीनियर वुमेन बॉक्सर्स में भी हो गए हैं. एंड जैसे कि आप बता रहे हो कि मुझे अभी भी मतलब थोड़ा सा ना ये यकीन करने मुश्किल हो गया आप सिर्फ 18 साल के हो. अरुंधति थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा टाइम निकाला और इतने अच्छे से हमारे साथ इंटरव्यू करने का टाइम दिया हमें. बिलीव मी हम लोग को, मैं बता सकता हूँ कि सब लोग क्या बोलते हैं जो भी ये इंटरव्यू देखेगा वो रियलाइज करेगा पॉइंट वन की कितनी स्ट्रगल होती है किसी भी चीज में लाइफ में अचीव करने के लिए, ऑल्सो डेडिकेशन और हार्डवर्क कितना चाहिए होता है अगर आपको प्रोफेशनल एथलीट बनना है और फिर वर्ल्ड स्टेज पे कम्पीट करना है. इंडिया की जाय जर्सी पहननी है, इंडिया के लिए मेडल लेना बहुत बड़ी बात होती है. अरुंधति एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए. हम लोग आपको बिल्कुल फॉलो करते रहेंगे, अगर आप कभी आगे फ्री हुए तो जरूर दोबारा बात करना चाहेंगे कैसे आपने दो तीन और पेस थोड़े रीअरेंज किए, थोड़ा बहुत और चैंपियनशिप लेके आए हम लोग के लिए. एंड ऑल द बेस्ट अरुंधति, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू जी सर.